बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेडिसिन एमसीक्यूज़ पॉइंट। तो ये पार्ट फोर है, इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में आपको हिमाचूरिया देखने को मिलता है और हिमोप्टेसिस देखने को मिलता है। गुड पास्चर सिंड्रोम एंटी जीवीएम एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और एंटी जीवीएम एंटीबॉडी की वजह से लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखने को मिलता है रीनल बायोप्सी पर। अब जो एंटीबॉडीज होती है किडनी और लंग्स दोनों को डैमेज कर देती होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको हिमोप्टेसिस देखने को मिलता है, डिस्निया होता है और रीनल फ्लियर होता है। एंड ट्रीटमेंट इंक्लूड प्रेडनिसोलोन एंड साइक्लोफोस्फामाइड। नेक्स्ट इज वेगनान ग्रैनुलोमेटोसिस। वेगिनल ग्रैनुलोमेटोसिस क्या होता है, ये स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस होता है, सीएन का पॉजिटिव होता है, हार्ट लंग्स को किडनी को इन्वॉल्व करता होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और किडनी को इन्वॉल्व करता होता है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये ब्लडी नोज या कहने का मतलब है सैडल नोज डिफॉर्मिटी करवा देता है, नेजल सेप्टल परफोरेशन करवा सकता है, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हिमोप्टेसिस है, प्लूराइसी है, इसके अलावा रीनल डिजीज करवा सकता होता है। अब जो पेशेंट होते हैं इसमें आपको सीएन का पॉजिटिव देखने को मिलता होता है और इसमें हमें ट्रीटमेंट देना होता है साइक्लोफोस्फामाइड और ग्लुकोकॉर्टिकॉइड का और मेथोट्रेक्सेट हम अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते होते हैं। रीनल डिजीज के लिए मेनली प्रेडनिसोलोन और साइक्लोफोस्फामाइड याद करना होता है। इसके बाद है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा का होता है, एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है, एडिमा आपको देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली मॉर्निंग पेरिकोर्बिटल एडिमा होता है और हाइपरलिपिडीमिया और लिपिड यूरिया देखने को मिलता है। बच्चों में ये मिनिमल चेंज डिजीज की वजह से देखने को मिलता है। मिनिमल चेंज डिजीज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कराओगे तो पोटोसाइट के फूड प्रोसेस की इफेसमेंट देखने को मिलती है, इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता है। तो इसमें मेन टेस्ट क्या होता है, आपने 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन लेवल कराना है या एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो करानी होती है तो क्लिंच द डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट में वंस अगेन प्रेडनिसोलोन और साइक्लोफोस्फामाइड इस्तेमाल करना होता है। और इसके अडल्ट में जो काजेज होते हैं, अगर ये नॉर्मली बच्चों में होता है लेकिन अगर अडल्ट में हो तो ये डायबिटीज़ की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है, इसके अलावा एसएलई की वजह से ड्रग्स लाइक पेनिसिलामीन और कैप्टोपिरिल है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में ओलिगोयूरिया होता है, एजोटीमिया होता है, एजोटीमिया का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन बढ़ गई है, हाइपरटेंशन देखने को मिलती है और हिमोचूरिया देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। अब इसमें जो प्रोटीन यूरिया होता है वो 3 से कम का होता है। द क्लासिकल काज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटर एआरबीज देते हैं और यूरिन आउटपुट को मेंटेन करते हैं विद आईवी फ्लूइड्स एंड डायुरेटिक्स है। नेक्स्ट है यूटीआई। ओके, अब यूटीआई की क्या साइन सिम्पटम देखने को मिलते हैं, यूटीआई में आपको अर्जेंसी देखने को मिलती है, डिस यूरिया देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पेनफुल मिक्चुरेशन, सुप्रा प्यूबिक या लो बैक पेन देखने को मिलता होता है और लो ग्लैंड फीवर होता है। अब जो यूटीआई होते हैं मोस्टली इसर्शिया कोलाई की वजह से देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस या प्रोटीएस सूडोमोनास की वजह से भी देखने को मिल सकते होते हैं। ठीक हो गया। ऐसे पेशेंट जो कि यूटीआई हॉस्पिटल में एक्वायर्ड करते हैं या फिर क्रॉनिक फोलिस कैथेटर की वजह से होते हैं, तो मैं ई कोलाई के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर है यूटीआई के चांसेस को बढ़ा देते हैं। फीमेल में यूटीआई काफ़ी कॉमन होता है और वो तमाम फैक्टर जो कि यूरिन को स्टेसिस करा देते हैं, यूरिन की स्टेसिस करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीपीएच है, प्रेगनेंसी है, ओके प्रेगनेंसी क्या करती है यूरेटरी की डायलिटेशन करवा देती है, स्टोन्स है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, वेसिको यूरेटरी रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये सारे यूटीआई करवा देते होते हैं। अब पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस असेंडिंग यूटीआई की मैनिफेस्टेशन होता है, ईकोलाई की वजह से होता है, प्रेजेंटिंग सिम्पटम के अंदर हाई ग्रेड फीवर होगा, शेकिंग चेल्स हो गए, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडनेस होती है, फ्लैंक पेन होता है और यूटीआई आपको देखने को मिलता है। अब इसमें आपने डायग्नोसिस को स्टैब्लिश करने के लिए यूरिन एनालिसिस ऑर्डर करना होता है और यूरिन और ब्लड कल्चर कराना होता है टू स्टैब्लिश द डायग्नोसिस। ओके हाँ ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, लेकिन आपने इसको ना इम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट करनी होती है इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स से। अब इसमें एंटीबायोटिक में आपको एक फ्लोराक्विनोलोन होती है लाइक सेप्रोफ्लोक्सासिन है, सेफ्ट्राएक्सोन है, ओके या फ्लोराक्विनोलोन हम दे सकते होते हैं हम अनकॉम्प्लिकेटेड पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और हमेशा आपने ई कोलाई को टारगेट करना होता है, सेप्रोफ्लोक्सासिन या सेफ्ट्राएक्सोन देना होता है। नेक्स्ट है किडनी के स्टोन, नेफ्रोलिथियासिस है, नेफ्रोलिथियासिस के अंदर सिवियर इंटरमिटेंट यूनिलैटरल फ्लैंक या ग्रोइन में पेन देखने को मिलता है। सही हो गया। ओके, और कभी एक बार ऐसा होता है कि स्टोन यूरेटर में फंस जाता है, यूरोलिथियासिस करवाता है, यूरोलिथियासिस के केस में आपको कोली की पेन होता है जो कि ग्रोन की तरफ रेडिएट कर रहा होता है, और आप सबसे पहले एक्सरे के यूवी करा लोगे फिर अल्ट्रासाउंड करा लोगे, मोस्ट कॉमनली जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन देखने को मिलते हैं। सही है। बाकी रीनल अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन करा लोगे आप स्टोन को देखने के लिए काम आते होते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन, तो नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन स्टोन को देखने के लिए हम करते होते हैं। अगर स्टोन, कहने का मतलब है स्टोन डज नॉट पास, अगर नहीं पास होता कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से तो आपने इसको सर्जिकली रिमूव करना होता है लाइक ट्रेप्सिस या परक्यूटेनियस एंड परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथॉटमी से। इसके बाद है कि अगर कभी भी हेड ट्रॉमा हो या इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है तो इस केस में लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अपर मोटर न्यूरॉन लियन करवाता है, सेंसरी डिसफंक्शन कराता है, इसके अलावा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन कराता होता है। इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम देखने को मिलते हैं 20 to 40 ईयर्स फीमेल में, जिसमें एग्जैक्रबेशन और रिमिशन भी देखने को मिलता होता है। कॉमन प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी पैरेस्थीसिया है, नंबनेस है, वीकनेस है, क्लम्सीनेस है और विजुअल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलती है लाइक डिक्रीज वीजन एंड पेन। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओनली बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद इंक्रीज मिथाइल मेलोनिक एसिड है, यानी मिथाइल मेलोनिक एसिड से बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी के में देखने को मिलता है, और मिथाइल मेलोनिक एसिड टॉक्सिक होता है। सिकल सेल इज कॉज बाय प्लांट म्यूटेशन होती है जो कि सिक्स पोजिशन पर देखने को मिलती है, वेलिन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एक्सलेंट रिसेसिव होता है, मेल्स में देखने को मिलता है। ओके, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफॉर्म में आपने प्लेटलेट देना, अदरवाइज डिजीज मजीद वॉर्स हो जाएगा। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया स्टेम सेल डिफेक्ट होता है जो कि एप्लास्टिक एनीमिया करवा सकता है, माइलो डिस्प्लेजिया करवा सकता है, और एकेड ल्यूकेमिया भी करवा सकता होता है। पॉलीसाइथीमिया वगैरह, पॉलीसाइथीमिया वगैरह में क्या होते हैं, वार्म शावर लेने के बाद ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है क्योंकि सिस्टम में रिलीज हो जाती है। पॉलीसाइथीमिया वगैरह में एमसीवी आपको कम देखने को मिलता होता है, एमसीक्यू पॉइंट है। अब जो ओरोड्स होते हैं, ओरोड्स क्या होते हैं, माइलोपरोक्सीडेज के क्रिस्टल्स होते हैं। ओरोड्स आपको इओजिनोफिलिक इंक्लूजन देखने को मिलती है, एएमएल एम3 टाइप में देखने को मिलते हैं, जिसको एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। माइलोपरोक्सीडेज आपको देखने को मिलता होता है 5q डिलीशन, या आपको माइलोडिसप्लासिस सिंड्रोम में देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट जिसमें 5q की म्यूटेशन होती है उनमें बेटर प्रोग्नोसिस होता है एज कम्पेयर टू अदर। रीनल फेलियर और इन्फेक्शन, दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मल्टीपल माइलोमा। सही हो गया। इसके बाद है कि लाइक अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो जो ब्लीडिंग होती है वो डीप टिश्यूज़ में होती है लाइक जॉइंट और मसल में। अगर प्लेटलेट के ब्लीडिंग है तो वो सुपरफिशियल टिश्यूज़ में होती है लाइक एपिस्टैक्सिस होगा, जिनजाइवल पेटीचिया परपरा आपकी कोसल सर्फेस से ब्लीड होगी लाइक गम्स में, और जनरल ब्लीडिंग है। स्प्लीनेक्टमी से पहले आपने क्या देनी होती है, मेनिंजोकोकस की, इन्फ्लुएंजा की और निमोकोकस की वैक्सीनेशन देनी होती है। इक्लिजियाकार्डिया में जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो मैनोमेट्री होता है, जिसमें आपको लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसोफेगस के अंदर जो कैंसर और बैरेट है, कैंसर और बैरेट, इसके लिए आपने अपर जीए एंडोस्कोपी करानी होती है। इसके बाद है कि अगर वर्ड प्रोग्रेसिव आ जाए सॉलिड से लिक्विड तो ये इंडिकेट करता है कि क्लू होता है इसोफेगस के कैंसर के लिए। अगर प्रोग्रेसिव है सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए तो ये इक्लिजियाकार्डिया होता है। कैंसर के लिए क्या होती है, अपर जीए एंडोस्कोपी होती है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट इज नेवर द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस। अब इसोफेगस के स्पास्टिक डिसऑर्डर होते हैं उसको ठीक करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं और नाइट्रेट्स देते होते हैं। ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रिंस मेटल एंजाइना को ठीक करते हैं, बीटा ब्लॉकर आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती। इसके अलावा पीपीआई भी दे सकते हैं। जेनकर डायवर्टिकुलम में बैड स्मेल होती है और सीवियर हैलिटोसिस देखने को मिलती होती है। जेनकर डायवर्टिकुलम का जो बेस्ट डायग्नोस करते हैं वो बेरियम वालों से करते होते हैं, उसको सर्जरी से रिपेयर करते हैं, उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। मैनोमेट्री इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इक्लेजिया कार्डिया के लिए होती है, डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म के लिए होती है, और स्क्लेरोट्रमा के लिए कराते होते हैं। क्लियर। मिलोरी वीस नॉन पेनिट्रेटिंग टेयर होता है, सिर्फ म्यूकोजा का टेयर देखने को मिलता है, कार्डिया के लेवल पर होता है। हिस्ट्री, अगर पेन फूड लेने से बढ़ जाता होता है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर है, और पेन अगर रिलीव हो जाता है फूड लेने से तो ड्यूडिनल अल्सर होता है। और बैरेट इसोफेगस को देखने के लिए आप अपर जी एंडोस्कोपी कराते होते हैं। गैस्ट्रोनोमा या जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम डायरिया करवा सकता होता है, क्योंकि जो एसिड है वो इनएक्टिवेट कर देता है लाइपेज को, जिसकी वजह से आपको डायरिया देखने को मिलता होता है। डायरिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये आपको देखने को मिलता होता है। सेलिक डिजीज में डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस से 10% लोगों में देखने को मिलता है। सेलिक डिजीज में राइस और वाइन ले सकते होती है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर आपने एंजाइम रिप्लेसमेंट देने होते हैं, जबकि सेलिक डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर आपने ग्लूटिन फ्री फूड को अवॉइड करना होता है, जो कि बार्ली, राइट, ओट और वीट होती है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में इंटरमीडिएट डायरिया देखने को मिलता है। ओके, लाइक ब्रोंकोस्पासम, फ्लशिंग, डायरिया, और राइट साइड की हार्ट की वाल्वुलर लीजन देखने को मिलती है लाइक ट्राइट कैस्पिट इंसुफिशेंसी और पल्मोनरी स्टेनोसिस है। जो बेस्ट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो यूरिनरी फाइव हाइड्रोक्स इंडोलेसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और इसकी थेरेपी करोगे ऑक्ट्रोटाइड से। ऑक्ट्रोटाइड क्या होती है, सोमाटोस्टैटिन का सिंथेटिक वर्जन होता है जो कि डायरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज में आपको स्किप लियन देखने को मिलती होती है, ट्रांसम्यूरल ग्रैनुलोमा देखने को मिलता होता है, फिस्टुला, एब्सेस देखने को मिलती है, मैसेस देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, पेरिनियल डिजीज होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस सर्जरी से क्यूरेबल होता है। म्यूकोसल डिजीज होता है, कोई फिस्टुला, कोई एब्सेस, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई पेरिनियल डिजीज नहीं है। क्रॉन्स में आपको अस्का एंटीबॉडी देखने को मिलती है, एंटी साइक्रोमाइसिस सेरेविस एंटीबॉडी। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में पीएन का लेवल ज्यादा होता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में लाइपेस और अमाइलेज का लेवल ज्यादा होता है। और जो मोस्ट इन्वेस्टिगेशनल चॉइस होती है वो कंट्रास्ट इन सीटी स्कैन होती है। मिनिमल चेन डिजीज एनसेट से और हॉजकी लिम्फोमा से एसोसिएटेड होती है। कैसे याद रखना है, मिनिमल के स्पेलिंग में एन आ रहा तो एनसेट आ जाएगा, और हॉजकिन से भी याद करते रहना। जो मेम्ब्रेनस डिजीज होती है वो कैप्टोप्रिल की वजह से हो सकती है, एनसेट की वजह से तो हो गई होगी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी को याद रख लेना, दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। इसके अलावा लंग कैंसर है, कोलोन कैंसर है, तो ब्यूमोनिक क्लैंस है। सही हो गया, क्लैंस ऑलमोस्ट भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। जो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है वो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस करवा सकता होता है। ओके, जब सीकेडी में जब हो जाए, यानी कहने का मतलब है जो GFR 15 से कम हो जाए तो उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। और इस केस में आपने रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी होती है इन द फॉर्म ऑफ डायलिसिस है। अब डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है, हीमोडायलिसिस हो सकता है। फॉर अनीमिया एंड सीकेडी तो आपने रिथ्रोपोर्टिन देना होता है और हीमोग्लोबिन को 11 to 12 ग्राम पर रखना होता है। देर इज हाइपर टेंशन इन सीकेडी है। अगर सीकेडी किसी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की वजह से है, ओके, लाइक या फिर अगर मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी की वजह से है या पैपिलरी नेक्रोसिस की वजह से है, उस केस में हाइपर टेंशन नहीं होगी, वन अदरवाइज हाइपर टेंशन देखने को मिलती है। ओवरफ्लो
प्रोटीन यूरिया मल्टीपल मायलोमा में देखने को मिलता है। रेस्टिंग चेस्ट पे ना, तो ये एसटी सेगमेंट की एलिवेशन आपको देखने को मिलती होती है, सही हो गया। और कार्डिक एंजाइम अगर नॉर्मल हो, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल हो, तो ये प्रिंस मेटल एंजाइना होता है। इसको नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ठीक करना होता है। बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। चेस्ट पेन विद एक्सर्शन है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो जाता होता है विद इन द 30 मिनट से पहले, तो वह स्टेबल एंजाइना होता है। चेस्ट पेन एट रेस्ट, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है, कार्डिक एंजाइम एलिवेटेड है, तो वह स्टेम ही होता है। चेस्ट पेन एट रेस्ट है, कोई एसटी सेगमेंट की एलिवेशन नहीं है, कार्डिक एंजाइम भी एलिवेटेड है, सही है, तो ये अनस्टेम ही होता है। चेस्ट पेन एट रेस्ट है, नो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, नो कार्डिक एंजाइम है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है। आगे अनस्टेबल एंजाइना अनस्टेम ही स्टेम ही है, तो इसमें हमें क्या देना होता है, पहले मोनोथेरेपी देनी होती है। मोनो में मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट और एस्पिरिन आ जाती है। एनस्टेमी है, एनस्टेमी में आपने आईवी हेपरिन देनी होती है टू प्रिवेंट रेस्टिनोसिस आफ्टर द पेशेंट इज स्टेबिलाइज, जबकि स्टेमी में रिपरफ्यूजन या एंजियोप्लास्टी करनी होती है, थ्रोम्बोलाइसिस करनी होती है। एक्यूरेट मैनेजमेंट ऑफ सॉरी एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ एमआई, तो मोनो देना होता है, मॉर्फिन ऑक्सीजन नाइट्रेट एस्पिरिन है। और इन्फीरियर वाल एमआई में कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देना, क्योंकि इन्फीरियर वाल एमआई में बल्कि आपने आईवी फ्लूड्स देने होते हैं, क्योंकि प्री लोड डिपेंडेंट होता है। डोर टू नीडल टाइम 30 मिनट्स होता है, डोर टू बैलून टाइम 90 मिनट्स होता है, पीसीआई के लिए होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ आफ्टर एमआई तो एरिथमिया की वजह से होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है। ड्रेसलर सिंड्रोम पोस्ट एमआई पेरिकार्डिटिस होता है, 2 हफ्ते के बाद देखने को मिलता है। हाई डोज एस्पिरिन से आपने ठीक करना होता है। न्यू मर्मर आफ्टर एमआई, एमआई के बाद न्यू मर्मर हो गया और लंग की कंजेशन हो गया, डेट मीन्स के एमआर हो गया ड्यू टू पेपिलरी मसल रैप्चर है। न्यू मर्मर है एमआई के बाद और स्टेप अप ऑक्सीजन सेचुरेशन है, यानी न्यू मर्मर है और स्टेप अप ऑक्सीजन सेचुरेशन है राइट साइड पर, तो वेंट्रोवेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, एक्वायर्ड वीएसडी हो गया। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, एमआई हुआ, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, लेकिन जेवीपी रेज्ड है, मफल्ड हार्ट साउंड है, तो ये मफल्ड हार्ट साउंड है, जेवीपी रेज्ड है, तो ये इंडिकेट करता होता है इंटीरियर वाल रप्चर को, ये कार्डिक टेम्पनाट को इंडिकेट करता है। काज ऑफ नो पल्स, जो नो पल्स यानी ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखने को मिलती है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के जो काज होते हैं कार्डिक टेम्पनाट की वजह से देखने को मिल सकता होता है, टेंशन न्यूमोथॉरिक्स की वजह से हो सकता है, मैसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म की वजह से देखने को मिल सकता होता है, ठीक है, तीनों कार्डियोजेनिक शो करवाते होती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इसमें आपने हमेशा क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्डी बल्कि डिफिब्रिलेशन करना होता है। डिफिब्रिलेशन इसके अलावा पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी करते हैं, यानी अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पल्सलेस है तो आपने क्या करना होता है, डिफिब्रिलेशन करनी होती है। अगर पल्स आ रही है लेकिन पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्डन करना है, अगर पेशेंट स्टेबल है तो इमिड्रियोन है, लिडोकेन इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोकेन इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर पेसमेकर इज सिक्स साइनस सिंड्रोम, इसके अलावा थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी होता है। एट्रल फिब्रिलेशन में अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्डन करनी है, अगर स्टेबल है तो रेट को कंट्रोल करना है बीसीडी से, बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डाइजोक्सिन है, सही हो गया। और स्टेबिलाइजेशन के बाद चैट्स टू को चेक करना होता है, चैट्स टू कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर है, हाइपर टेंशन एरिथमिया आ जाता है, डायबिटीज़ वगैरह स्ट्रोक वाला स्कोर वगैरह आते हैं, और इसके हिसाब से आपने एंटीकॉगुलेंट करना होता है वारफेरिन से। पहले 3 हफ्तों तक एंटीकॉगुलेंट देना होता है, फिर आपने कार्डियोवर्डन करना होता है, फिर आपने दोबारा क्या करना होता है, 4 हफ्तों तक आपने क्या करना होता है, ऑलमोस्ट एंटी कोगुलेशन करनी होती है। इसके बाद है कार्डिक टम्पोनाड है, कार्डिक टम्पोनाड में पल्सेस पैराडॉक्सेस देखने को मिलती है, आई फ्लूड देना होता है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करोगे और पेरिकार्डियल विंडो क्रिएट करोगे ताकि रिकरेंस कम से कम हो। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में कुसमल साइन देखने को मिलता है, पेरिकार्डियल नॉक देखने को मिलता है, इसमें आपने डायूरेटिक्स देनी होती है और पेरिकार्डियोटमी करनी होती है, क्लियर। उसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस था, इसमें पेरिकार्डियोटमी करते होते हैं। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में कैनन ए वेव देखने को मिलती है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के अंदर कुसमल साइन होता है, रैपिड वाइड डिसेंट देखने को मिलता है, पी टू लाउड पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होती है। प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डिटिस है, वो 60 डेज के अंदर है, 60 डेज के अंदर है, तो स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस की वजह से होता है, ठीक हो गया, ओके। और इसमें आपने रिफैम्पिन जेंटामाइसिन ऐड करनी होती है, ठीक है, रिफैम्पिन प्लस जेंटामाइसिन है। और जो बैक्टीरिया अमोक्सिलिन से कवर होते हैं उसका निमोनिक है हेल्प्स, एच इन्फ्लुएंजा, इकुलाई, लिस्टेरिया, प्रोटीज, साल्मोनेला। और न्यू डेट पे अपने सब ट्रैक्सोन को वाइट करना होता है बिकॉज ऑफ इंपेयर्ड बिलरी मेटाबॉलिज्म है, जो सब टेजिटी में होती है, सूडोमोनास को टारगेट करती होती है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा एमसीक्यू लिखा हुआ, कंसंट्रेशन टू द पोली यूरिया फ्रॉम द, अच्छा छोड़ देते हैं। स्पारिनो इलेक्ट्रॉन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, स्पारिनो इलेक्ट्रॉन के ये साइड इफेक्ट होते हैं कि गाइनेकोमास्टर करवा देती है, डिक्रीज लिबिडो है बिकॉज इट इज एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग होती है। फियोक्रोमोसाइटोमा उस वक्त आपने लगाना है जब एपिसोडिक हाइपरटेंशन हो, हेडेक हो, स्वेटिंग हो, पालपिटेशन हो, ट्रेमर हो। अब इसके लिए जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है अपने प्लाज्मा मेटानेफ्रिन लेवल कराने होते हैं, और कंफर्मेशन के लिए 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन करानी होती है, ठीक है, ये विनाइल मेंडेली केसेस से भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, और इसकी कहने का मतलब है इसकी लोकलाइजेशन के लिए एमआईबीजी स्कैन करते होते हैं, जिसमें आप फियोक्रोमोसाइटो के लोकेशन को चेक करते होते हैं। अब इसमें पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं, फिनोक्सीबेंजामिन, उसके बाद आप बीटा ब्लॉकर देते हैं जो कि प्रोपानोलोल होती है, फिर इसके बाद आप सर्जरी कर देते होते हैं। फिर डायबिटीज मिलिटस को कैसे डिफाइन करेंगे, हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है 125 से ऊपर है, एटलीस्ट 2 सेपरेट उकाईयन के ऊपर। टाइप 1 डायबिटीज कौन सा, चाइल्डहुड में होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ओबेसिटी से रिलेटेड नहीं होती, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, एब्सोल्यूट इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। टाइप 2 एडल्ट में होती है, ओबेसिटी से रिलेटेड होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। अब डायबिटीज में जो कार्डिनल फीचर होते हैं, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजी,
वेट लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ वाले ज़्यादा कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 है। टाइप 2 में कीटोन बॉडीज डी के रिलेटिवली कम देखने को मिलता होता है और दोनों के अंदर आपकी वोट की हीलिंग खराब हो जाती है। टाइप 2 में आपको होंक देखने को मिलता है और टाइप 1 में आपको डी के देखने को मिलता होता है। क्लियर ऑलमोस्ट आ जाएगा। इसके बाद है डायबिटीज़ को डिफाइन करना होता है। डायबिटीज़ को डिफाइन ऐसे करना है कि दो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है ग्रेटर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद है कि हम आगे चलते हैं, जो RBS होना चाहिए या OGTT होना चाहिए वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा HbA1c 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कुछ सिम्प्टोमेटिक है तो एक चाहिए और एसिम्प्टोमेटिक है तो दो क्राइटेरिया चाहिए होता है। सही है। वेट लॉस अगर आप करोगे तो वो 25% कॉज को सॉरी 25% केसेस को अच्छे से मैनेज कर सकता होता है। ठीक हो गया। ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन कर सकता होता है बिकॉज एडिपोज टिश्यू कम होगा तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम होगी। ठीक है। इसके बाद मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन आपको रीनल डिसफंक्शन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है बिकॉज ये एकुमुलेट हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस करवा देता है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो बेस्ट ड्रग होती है वो ओरल मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते होती है। मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती है, सेफेस्ट ड्रग होती है जिसको आप डायबिटिक्स वाले में दे सकते होते हैं। ओके। डी के वाला पेशेंट है। डी के वाले पेशेंट में आपको हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा डी के वाले पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन को बोलते हैं स्मॉल साइन होता है। ठीक हो गया। ओके। अच्छा और क्या मिलेगा डी के में? डी के में आपको अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, बाइकार्बोनेट कम होता है, नाइन के ज्यादा होता है, हाइपरक्लीमिया होगा ब्लड में लेकिन जो टोटल बॉडी पोटेशियम है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ यूरिनरी स्पिलेज या वॉमिटिंग लॉस हो रहा है। नाइन गैप आपको ज्यादा देखने को मिलता होता है। कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिलती है, एसीटोन ब्रेथ देखने को मिलता है, पोलीडिप्सिया पोलीयूरिया आपको देखने को मिलता होता है। अच्छा डायबिटिक पेशेंट के अंदर आपको MI के चांसेस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। MI स्ट्रोक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ज्यादा चांसेस देखने को मिलते होते हैं। डेट इज भाई आपने क्या गोल रखना होता है, ब्लड प्रेशर को आपने 140/90 आपने कम रखना होता है डायबिटिक वाले में। सही है। ओके। और डायबिटीज़ को आपने बिल्कुल वैसे ही समझना जैसे कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और इसमें भी आपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को LDL के लेवल को 100 से कम रखना है। तो गोल क्या होता है, ब्लड प्रेशर को आपने 140/90 से कम रखना है और आपने LDL को 100 से कम रखना होता है। अब डायबिटीज़ की वजह से माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखने को मिलता होता है और ये कब लेवल करोगे तो 30 to 300 आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया 300 से ज़्यादा को बोलते हैं, माइक्रो वाला 30 से लेकर 300 को बोलते होते हैं। और आपने एनुअली स्क्रीनिंग करनी है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की, ACE इनहिबिटर या ARB इस्तेमाल करना होता है जो कि किडनी के प्रोग्रेशन को रोक देते हैं, ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन को रोक देते हैं। ठीक है। यानी ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के प्रोग्रेशन को रोक देते हैं और ये इंट्राग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन को रोक देते हैं और किडनी के डैमेज को रिड्यूस कर देते हैं। इसकी बात है कि कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट में कि जो गट होती है ना, ओके, गट क्या करती है, ये स्ट्रेच को सेंस करने भूल जाती होती है। स्ट्रेच क्या होता है, मेन स्टिमुलेंट होता है मोटिलिटी का। यानी इन शॉर्ट डायबिटीज वाले पेशेंट में आपको गैस्ट्रोपैरेसिस आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद है वॉन विलिब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा और पीटी टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा। फैक्टर रेट कम होगा, नॉर्मल पीटी होगा और ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। DIC में क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा, APTT टाइम बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, डी डाइमर पॉजिटिव हो गए, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, फिब्रिनोजन कम हो जाएगा, पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, प्लेसेंटल अब्रप्शन, मैलिग्नेंसी की वजह से होता है और इसमें आपको शिस्टियोसाइट और फ्रेगमेंटेड RBCs मिलेगी पेरिफेरल स्मियर के अंदर। अगर लीवर की डिजीज है तो पीटी APTT टाइम आपको सारा दोनों प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। सारे फैक्टर्स ऑल फैक्टर्स कम हो गए सिवाय फैक्टर 8 के। ठीक हो गया। इसके अलावा लीवर डिजीज आपको देखने को मिलेगा और वाइटामिन के देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वाइटामिन के की डेफिशिएंसी है तो पीटी APTT टाइम दोनों आपको एलिवेटेड होगा और लो लेवल्स हो गए 2 के साथ 9 10 और प्रोटीन सी प्रोटीन एस का। और आपने इसको देखना होता है न्यू नेट के अंदर। अगर न्यू नेट में प्रोफाइलैक्टिक वाइटामिन के की इंजेक्शन नहीं लगे या कोई मैल अब्जॉर्प्शन है, वाइटामिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन है ना तो स्टीटोरिया तो उसमें अब्जॉर्ब नहीं होता होता, अल्कोहलिज्म है या प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज है जिसकी वजह से वाइटामिन के डिपेंडेंट फ्लोरा डैमेज हो जाता है। क्लियर। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होता है तो उसमें आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या सिम्टम देखने को मिलती है, ऑर्थोपनिया, डिस्निया, पैरॉक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिलता होता है। इसके अलावा पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलती है, कर्ली बी लाइंस आपको देखने को मिलती है। क्लियर। तो पल्मोनरी कंजेशन है, रेल्स आपको देखने को मिलती है और कर्ली बी लाइंस देखने को मिलती है चेस्ट रेडियोग्राफ पर। सही हो गया। ओके। क्लियर। पल्मोनरी कंजेशन है, रेल्स बोलते हैं, कर्ली बी लाइंस होती है, पल्मोनरी वास्कुलर कंजेशन है, एडिमा है, बायलैटरल प्लूरल फीयर है। जब राइट वेंट्रिकल फेल होता है तो इसमें इस केस में क्या होगा, इसमें JVP बढ़ जाती होती है, हेपेटोमेगाली होती है, पिटिंग पेरिकल एडिमा देखने को मिलता है, साइटिस होती है और अंडरलाइन लंग डिजीज होता है जिसको कोर पल्मोनरी कहते होते हैं। एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इसको आप इन पेशेंट बेसिस पर ठीक करते हैं। कैसे ठीक करोगे, LMNOP देते होते हैं। ठीक है। लूप डायरेटिक, मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट और डाई पोजिशन देते होते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स ऐड करते होते हैं, डाइजोक्सिन भी ऐड कर सकते हैं अगर पेशेंट स्टेबल हो। बाकी अगर सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो आप
ग्लूटामिन या डोपामिन भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, जो कि सिम्पैथामिमेटिक होती है। जो क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको अपने ओपीडी बेसिस पे आपने ठीक करना होता है, ठीक है। लाइक आपने सोडियम की रिस्ट्रक्शन करनी होती है, एस इनहिबिटर आपने सबसे पहले ऐड करने होते हैं, ठीक है। फिर आपने बीटा ब्लॉकर ऐड करने होते हैं, फिर आपने स्पाइरोनोलैक्टोन आपने ऐड करने होते हैं, डायुरेटिक ऐड करनी होती है, ठीक है। और डाइजोक्सिन, डाइजोक्सिन की वैसे इतनी खास जरूरत नहीं होती, लेकिन वो दे सकते होते हैं, लेकिन डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में नहीं देना होता आपने डाइजोक्सिन को, सही हो गया, ओके। और वेजो डायलेटर दे सकते हैं। इसके बाद है कोर पल्मोनरी। कोर पल्मोनरी क्या होता है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होना, राइट वेंट्रिकल का फेयर हो जाना ड्यू टू प्राइमरी लंग डिजीज है। मोस्ट कॉमन काज पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सीओपीडी है। जो एक्यूट कोर पल्मोनरी होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है, क्रॉनिक कोर पल्मोनरी सीओपीडी की वजह से होता है, क्लियर, सही हो गया। और अगर कोई, यानी कहने का मतलब है यंग फीमेल है जिसमें कोई और मेडिकल हिस्ट्री या रिस्क फैक्टर नहीं है, तो जो पल कोर जो उसका मोस्ट कॉमन काज होता है ना, आपने सोचना है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होता है, यानी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन काज क्या होगा, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए प्रोस्टासाइक्लिन दोगे, लाइक आप पारएंटिनल, इपोप्रोस्टिनोल दोगे, एंटी एंडोथेलिन दोगे, लाइक बोसेंटेन है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर आप इस्तेमाल करोगे, सही है। एंटी बोसेंटेन हो गया, सिलडेनाफिल हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। इसके अलावा कहते हैं कि जो स्लीप एपनी है वो भी कोर पल्मिनल हो सकता है, तो आपने ओबीस स्नोरर को भी आइडेंटिफाई करना होता है। कोर पल्मिनल वाले पेशेंट में टकेपनिया देखने को मिलता है, साइनोसिस देखने को मिलती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना तो क्लबिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा साइनोसिस आपको देखने को मिलती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, तो लेफ्ट पैरस टनल ही पॉजिटिव होती है, लाउट P2 होता है, और राइट स्टडी S4 आपको देखने को मिलती होती है। रिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल्स की स्टिफनेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ माइलाइडोसिस है, सार्कोइडोसिस है, हीमाक्रोमाटोसिस है, या मायोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस है। वेंट्रिकल बायोप्सी सारी एबनॉर्मल होती है, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कैन बी फिक्स सिंपली, तो कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा, अगर एबनॉर्मल पेरिकार्डियम को रिमूव कर दोगे, पेरिकार्डियम को, तो कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस रूल आउट हो जाएगा। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर पेरिकार्डियल नॉक आपको देखने को मिलता है, पेरिकार्डियम की कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, और नॉर्मल वेंट्रिकुलर बायोप्सी होती है। वॉच फॉर एन S4, आपने S4 को देखना होता है, S4 आपको स्टिफ वेंट्रिकल में देखने को मिलती है, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलता होता है किसमें, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में आपको क्या मिलता होता है, हेपेटोमेगैली होती है, JVP बढ़ जाती होती है, क्लियर, और पेरिफेरल लडी में आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। अब ये दोनों डिसऑर्डर है ना, इनको आप दोनों मिला के दोनों को साथ मेंशन करते होते हैं, ठीक हो गया, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, बिकॉज दोनों को स्मॉल साइन करवाते होते हैं, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, दोनों रिस्ट्रिक्टेड टाइप कार्डियो फिजियोलॉजी कराती है। अगर कोई यंग पर्सन है जो कि अचानक डेथ हो गई है ड्यू टू एक्सरसाइज है, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री थी सडन कार्डिक डेथ की, तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एसिमेट्रिकल सेप्टल वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, बनाना शेप वेंट्रिकल होता है, आपको इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलेगा जो कि लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे होता है, जस्ट लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस है। और ये किस चीज़ से बढ़ जाएगा, जब आप स्टैंड होते हैं, स्टैंडिंग करने से बढ़ जाता है, वाल सल्वा मनूवर से बढ़ जाता होता है, ठीक हो गया, ओके। इनसे ही मर्मर बढ़ जाता है, स्टैंडिंग से और वाल सल्वा से, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। जो कैल्सिट्रोनिन होता है ये मेडुलरी थायराइड कैंसर का ट्यूमर मार्कर होता है। इसके बाद जो एंटीबॉडी है ANA एसोसिएटेड होती है, ओके, लाइक एसएलई में आपको देखने को मिलता है, जो NTCP होती है ये आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती होती है, क्लियर। जो तीसरा एंटी सेंट्रोमेरिकल सिंड्रोम में देखने को मिलती है, एंटी DS एंटीबॉडी SLE में होती है, एंटी सिमित भी SLE में होती है, रूमेटॉइड फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, एंटी हिस्टोन ड्रग एंटी लुपस में होती है, एंटी जो एंटी सिंथेटेस पॉलीमायोसाइटिस डर्मेटोमायोसाइटिस में होती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में होती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिल सकती है, एंटी SCL70 है, सही है। एंटी टोपोइसोमेरेज आपको देखने को मिलती है डिफ्यूज वाले में, जिसको एंटी SCL70 कहते होते हैं, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी एटोमी में देखने को मिलती है, एंटी टोपोइसोमेरेज एंटीबॉडी डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में होती है, एंटी TSS रिसेप्टर एंटीबॉडी ग्रेव्स डिजीज में होती है, CN का आपको वेगनर में देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके अलावा PN का माइक्रोस्कोपी पोलिनजाइटिस है, और माइक्रोस्कोपी पोलिनजाइटिस और चर्क स्ट्रास सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है, क्लियर। जो U1RNP है या आपको मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में देखने को मिलती है, जिसमें SLE है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और पॉलीमायोसाइटिस आ जाएगा। हेबरडन नोट डिस्टल इंटरफ्लुएंशियल जॉइंट के इन्लार्जमेंट को बोलते हैं, बोचार्ट नोट प्रॉक्सिमल इंटरफ्लुएंशियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं, दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पेन होता है वो यूज़ करने की वजह से, मसल को यूज़ करने की वजह से वॉर्स हो जाता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये मॉर्निंग स्टिफनेस मसल एक्टिविटी से ठीक हो जाती है। गाउट में फर्स्ट बिग टो इन्वॉल्व होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस में क्या होता है, ओके, लाइक कंजंक्टिवाइटिस होता है, इसके अलावा यूरिथराइटिस होता है, और आपको आर्थराइटिस देखने को मिलता होता है, क्लियर। वैसे निमोनिक है, कैन नॉट सी, कैन नॉट पी, और कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री। एम्फाइसीमा होता है, एम्फाइसीमा स्मोकिंग की से हो सकता है। सीओपीडी के अंदर क्या होता है, सीओपीडी में जो फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम FEV1 होता है ना 1 सेकंड में, और FVC रेशियो ये 70% से कम हो जाती है, ठीक हो गया, ओके। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में नॉर्मल होती है, ज्यादा भी हो सकती होती है, FEV1 तो मे बी इक्वल इन बोथ कंडीशन है, लेकिन रेशियो आपकी डिफरेंट होती है। टिपिकल नमोनिया इज यूजली कॉज बाय, जो टिपिकल नमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, स्टाफोरियस की वजह से होता है, ये टिपिकल नमोनिया इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से हो सकता है, क्लैमिडिया की वजह से हो सकता है, लिजनिला की वजह से हो सकता है, इडिनो वायरस की वजह से हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, और हमेशा कोई अगर
पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, पीडियाट्रिक पेशेंट है जिसको रेक्टल प्लोरैप्स है, मीकोनियम आइलियस है, या इसोफेजियल वायरसेस है, या रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन है, या फेलियर टू थ्राइव है, इस केस में आपने रखना होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या क्या डिफरेंशियल बताया मैंने? ओके, रेक्टल प्रोलैप्स है, मीकोनियम आइलियस है, इसके अलावा इसोफेजियल वायरसेस है, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन है, और फेलियर टू थ्राइव है। इसके अंदर आपने सबसे ऊपर रखना होता है इसी को, सिस्टिक फाइब्रोसिस को। इसको साल्टी टेस्टिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि स्वेट क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन स्वेट में 60 से ज़्यादा हो जाती होती है, और पेशेंट में आपको पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी भी देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकता है, और पेशेंट में कोरपलमिनियन भी हो जाएगा। ठीक है, अब हीमोफीलिया वाले पेशेंट में आर्थराइटिस क्यों होता है? क्योंकि आपको रिकरेंट हीमोआर्थ्रोसिस देखने को मिलती है। हीमोआर्थ्रोसिस क्या होता है? ब्लीडिंग इंटू द ज्वाइंट है, ठीक है, ब्लीडिंग इंटू द ज्वाइंट आपको देखने को मिलती है। ओके, क्लियर। तो इसकी वजह से आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? एसिटामिनोफेन होगा, आपने एस्पिरिन को अवॉइड करना है क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है। हाउ डू हीमोक्रोमाटोसिस और विल्सन डिजीज आर्थराइटिस करवाते हैं? कैसे करवाएगा? हीमोक्रोमाटोसिस में आयरन की और विल्सन में कॉपर की डेपोजिशन हो जाएगी ज्वाइंट्स में। माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के डिफरेंशियल में आपका अम्यूमोनिक है आर्लिस्ट, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशियंसी एनीमिया, सेरेब्रोब्लास्टिक और थैलेसीमिया आ जाता है। सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया वैसे खुद बता दिया माइक्रोसेटिक है, और मैक्रोसेटिक भी हो सकता है। जो मैक्रोसेटिक होती है, अब इसमें क्या होता है, एमसीवी ज़्यादा होता है। अब ये मेगालोब्लास्टिक हो सकती है, नॉन मेगालोब्लास्टिक हो सकती है। मेगालोब्लास्टिक में फोलेट है, बी12, उसके अलावा आपकी ड्रग आ जाती है मिथोट्रेक्सेट, फेनिटोइन, और इसके अलावा 5-फ्लोरोयूरेसिल है। और जो नॉन मेगालोब्लास्टिक होता है, इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी आती है? नॉन मेगालोब्लास्टिक के अंदर लाइक आपकी एग्जाम्पल आती होती है, हम कह सकते हैं कि अल्कोहल है, इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये आपको देखने को मिलता होता है। सीएलडी भी में भी देखने को मिलता होता है। क्लियर, अगर ब्लड लॉस और हिमोलिसिस आता है, उसकी वजह से आपने रेटिक्स को देखना होता है, रेटिक्स हमेशा बढ़ जाती है, और रेटिक्स अगर 2 से कम हो जाती है, रेट में से प्लास्टिक एनीमिया है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसकी वजह से नॉर्मल सेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये वाइट माइक्रोसेटिक एनीमिया है जिसमें सर्कुलेटिंग आयरन ज़्यादा होगा। दोबारा बता रहा हूँ, सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया वाइट एनीमिया है जिसमें आयरन सर्कुलेटिंग आयरन ज़्यादा होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? आरटीडब्ल्यू ज़्यादा देखने को मिलता है। सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया में आप रिंग सेरेब्रोब्लास्ट को देखते हैं, प्रूशन ब्लू स्टेनिंग इस्तेमाल करते होते हैं। थैलेसीमिया में आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, लेकिन अल्फा थैलेसीमिया को देखने के लिए अब जेनेटिक स्टडी ज्यादा अच्छी होती है। अल्फा थैलेसीमिया को डायग्नोस करने के लिए आप डीएनए एनालिसिस कराते होते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है। ओके, अब बाई बी12 फोलिक एसिड है, इसके अलावा कहने का मतलब है कि मिथोट्रेक्सेट है, ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल करा देती होती है, मेगालोब्लास्ट करा देती है। सेलिक डिजीज में आपको तीनों तीनों की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, आयरन की, फोलेट की और बी12 की। क्लियर, इसके बाद आ जाते हैं, एक पेशेंट है जिसने प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया तो उसको एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया, तो आपने स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस को इंक्लूड करना होता है। फर्स्ट साइन ऑफ शॉक तो आपको पल ज़्यादा देखने को मिलती है, टैकीकार्डिया होता है। ईसीजी में प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल हो रहा है, और क्यूआरएस हमेशा हर तीन पीवीएफ के बाद आ रहा है, तो मूवमेंट्स टू टाइप 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, वैसे 3:1 भी कह सकते हैं उसको। अच्छा, मोस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्व इन लिप एंड सैक एंडोकार्डाइटिस, तो एओर्टिक और मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है। पेशेंट विद एट्रल फिब्रिलेशन है, तो एट्रल फिब्रिलेशन में जे ए वेव एब्सेंट होती है जेवीपी की। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है, एडिमा कैसे करवाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा के। इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो इन्वेस्टिगेशन है, चॉइस होती है, ब्लड कल्चर होती है। प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हो? हाइड्रोलाजीना, लेबेटालोल, मिथाइलडोपा और निफेडिपिन होता है। फीचर ऑफ हाइपोकुलेमिया, फ्लैटेंड टी वेव होती है, यू वेव आपको देखने को मिलती होती है। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एचआईवी, तो पेरिकार्डियल एलिफियन होती है। शॉर्ट टूथ अपीयरेंस एल्टर फ्लटर में देखने को मिलती है। होजकी लिम्फोमा, सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, एक्सियल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, कॉन्टिजियस सबलेट होता है, और रेड स्टंबल सेल होते हैं। नॉन होजकी लिम्फोमा मल्टीपल पेरिफेरल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, नॉन कॉन्टिजियस सबलेट होता है, मेसेंटेरिक और वाल्डियर रिंग को इन्वॉल्व करता होता है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होती है, रेड स्टंबल सेल एब्सेंट होते हैं। मैसिव स्प्लीनोमेगैली मलेरिया में, माइलोफाइब्रोसिस में, इसके अलावा आपको सीएमएल में देखने को मिलती है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, ये कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिलता होता है। टाइफाइड के केस में इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करानी है? निमोनिक के बासू, फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, सेकंड वीक में आप एंटीबॉडी टेस्टिंग, विडाल टेस्टिंग करते हैं, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर, और फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर कराते हैं। मैसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो उसकी वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की वजह से हीमोक्रोमाटोसिस हो सकता है। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। तो दो तीन अलग चीज़ें हैं, मैसिव की वजह से हाइपरकैल्सीमिया होगा, मल्टीपल से हीमोक्रोमाटोसिस, और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। अब इओजिनोफिलिया आपको अस्थमा में देखने को मिलता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, पोलियोआर्थराइटिस नोडुलम में आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा एडिसन डिजीज में आपको देखने को मिलता है इओसिनोफिलिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन से, एचबीएस देखने को मिलता है। स्कल एक्सरे में क्रू कट अपेयरेंस देखने को मिलती है ड्यू टू मैरो एक्सपेंशन, ड्यू टू इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एंड डिजीज, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? ए प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है ड्यू टू पैरवोवायरस बी19 है, ऑटोसप्लीन एक्टिमी हो सकती है, होवल जॉली बॉडीज आपको देखने को मिलेगी, स्प्लीन का इन्फेक्शन हो सकता है, क्राइसिस हो सकता है, साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, विजोक्लोसिव क्राइसिस हो सकता है, डक्टिलाइटिस हो सकता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस है, स्ट्रोक है,
ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो आपने एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो हाइड्रोक्सी यूरिया और आपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है। एक्सीडेंट रिसेसिव हीमोफीलिया ए बी, ग्लूकोज सिक्स फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस है और ग्लूकोज सिक्स फास्फेट थर्टी हाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, ये आपको किस किस में देखने को मिलती है। सल्फोनामाइड ड्रग की वजह से हो सकती है, एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से या फैपावींस की वजह से हो सकती है। हीन्स बॉडी और बाइट सेल्स ग्लूकोज सिक्स फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में होते हैं। कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, हाई एल्टीट्यूड, सॉरी सिकल सेल की कहने का मतलब है प्रेसिपिटेशन कब होती है, कहाँ होती है, हाई एल्टीट्यूड में एसिडोसिस में देखने को मिलती है। हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस बाय एप्लास्टिक क्राइसिस होते हैं, वंस अगेन पैरवो वायरस B19 की वजह से होते हैं। जो बेस्ट टेस्ट होता है वो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है और ट्रीटमेंट में हम सेप्लिनेक्टमी करते होते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया के क्या क्या कॉजेस होते हैं, लाइक बेंजीन है, क्लोरामफेनिकोल है, अल्कालाइटिंग एजेंट है, एंटी मेटाबोलाइट है, वायरल एजेंट है। वायरल एजेंट में आपका एप्सटीन बार वायरस है, एचआईवी है, B19 और हेपेटाइटिस वायरस होते हैं। अब एवरीथिंग इज लो, यानी अगर TIBC सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ती है, बाकी सब चीज़ें कम हो जाती है, और अगर सब चीज़ें हाई है, सिर्फ TIBC हाई नहीं है, तो वो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सही हो गया, क्लियर, सही है। यानी TIBC ज़्यादा किस में होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, कम किस में होती है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक हो गया, ओके क्लियर। इसकी बात है कि एवरी थिंग इज लो, सब चीज़ें कम है, सिर्फ फेरेटिन कहने का मतलब है ज़्यादा है, तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। यानी अगर आयरन कम है, ट्रांसफर इनके सेचुरेशन कम होती है, ठीक है। इसके अलावा सीरम आयरन कम है, फेरेटिन है, TIBC चेक करते होते हैं। अगर फेरेटिन कम है, सॉरी फेरेटिन ज़्यादा सिर्फ, तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के क्या क्या कॉजेस होते हैं, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, ड्रग्स लाइक मेथोट्रेक्सेट फेनिटोइन की वजह से हो सकता है, और प्रेगनेंसी में फोलेट की डिमांड रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती होती है। सारे फोलेट डेफिशिएंसी के कॉजेस बताए गए हैं, सही है। जो बर्टोनियन लाइन होती है, ये बर्टोनियन लाइन्स है, और रिस्ट ड्रॉप है, फूड ड्रॉप है, लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं। लेड पॉइजनिंग में आप टाइमर कैप्रोल इस्तेमाल करते हैं और EDTA इस्तेमाल करते होते हैं। कॉज ऑफ सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, कॉजेज ऑफ सिडरोब्लास्टिक एनीमिया आयरन या जेड की वजह से हो सकता है, B6 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कॉपर डेफिशिएंसी या लेड पॉइजनिंग की वजह से देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया, क्लियर। इसके बाद है प्लमर विंसन सिंड्रोम में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसोफेजियल वेप होता है और डिसफेजिया आपको देखने को मिलता होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, तो आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। क्या क्या कॉजेज होते हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन में है, क्रॉन्स डिजीज है, पर्निशियस एनीमिया है, डायफ्राबोथ्रियम है, और गैस्ट्रेक्टमी आकर आपने करवा लिया है, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ लाइक हम आगे आ जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ सिरोसिस है, लाइक अगर एनसेफलोपैथी होती है, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स, नियोमाइसिन और रिफेक्सिमिन देना होता है, एसआईटीज और एडीमा, तो स्पाइनल इलेक्ट्रोन और टिप्स करते होते हैं, लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस करते होते हैं, क्लियर। इसके बाद प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में लाइक क्या होती है, फीमेल 40 से 50 साल की होती है, फटीग होती है, इचिंग होती है, बिलियरू में नॉर्मल होता है, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसका जो यूनिक फीचर होता है जेंथलिस्मा देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है लीवर बायोप्सी होती है, जो मोस्ट एक्यूरेट ब्लड टेस्ट होता है वो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी टेस्ट होता है। बिलियरूबिन और IgM लेवल्स ये जब बढ़ती है, जब डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है, उससे डिऑक्सीकोलिक एसिड से, ओबैटिकोलिक एसिड से, इसके अलावा कोलिस्ट्रामिन से, प्राइमरी सर्कुलराइजिंग कोलनजाइटिस होता है, या आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से एसोसिएटेड होता है, इसमें आपने प्रोराइटस नोट करना होता है, क्लियर। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ज्यादा होगा, गैमा ग्लूटामाइन ट्रांसफर्स का लेवल भी ज्यादा होगा, और बिलीरुबिन का लेवल भी ज्यादा होगा, और ये IBD के साथ एसोसिएटेड होती है, सही हो गया। अब बिलीरुबिन लेवल अर्ली डिजीज में नॉर्मल होता है, मोस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, MRCP और ERCP होता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, बिलियरी सिस्टम की ब्लीडिंग अपीयरेंस देखने को मिलेगी, नारिंग या स्ट्रक्चर मिल सकती होती है, मेनली MRCP करते होते हैं, ठीक हो गया, ओके सही है। इसके बाद है कि हम प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस को बायोप्सी से भी कर सकते हैं, लेकिन बायोप्सी की जरूरत नहीं है, लेकिन बायोप्सी आप प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी करते हैं, सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस में बायोप्सी की जरूरत नहीं है। इनिशियली आप कोलिस्ट्रामिन और ओर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, और अगर लीवर फेल हो चुका है तो आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते होते हैं। इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन के क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इंटरफेरॉन में आपको आर्थ्रेल्जिया देखने को मिलता होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता होता है, और लिकोपिनिया देखने को मिलता है, यानी सेल लाइंस कम हो जाती है, माइलो सप्रेशन होती है, और जॉइंट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विल्सन डिजीज का जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, स्लिप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होता है, केसर फ्लेशर रिंग को देखते होते हैं, जो कि ब्राउनिश रिंग होती है अराउंड द आई फ्रॉम द कॉपर डेपोजिशन है, और सेरोप्लाज्म के लेवल यूजली लो होता है। जो लीवर बायोप्सी होती है, इट इज अ मोर सेंसिटिव एंड द स्पेसिफिक होती है, उसमें आपको इंक्रीज हेपेटिक कॉपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिन कॉपर में, यानी यूरिन में कॉपर के एक्सक्रीशन होना आफ्टर पेनिसिलामीन है, और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, पेनिसिलामीन है, जिंक है, ट्राइएंटीन है, इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल क्या करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। स्ट्रोक वाले पेशेंट में सबसे पहले आपने नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन कराना होता है, जबकि जो एक्यूरेट टेस्ट है वो MRI होता है, सिटी स्कैन को पहले करते होते हैं, नॉट बिकॉज के सेंसिटिव है, बल्कि हम इसलिए करते हैं सिटी स्कैन को, ताकि हम हैमरेज को रूल आउट कर सके और इस्कीमिक स्ट्रोक की मैनेजमेंट स्टार्ट करें। अब सिटी स्कैन को तकरीबन 4 से 5 दिन लगते होते हैं अपनी सेंसिटिविटी को पकड़ने के लिए, जबकि MRI को 24 से 48 घंटे चाहिए होते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी एडियोपैथिक कंडीशन होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करती है, सीवियर लैनकिनेटिंग पेन होता है, फेस वाले एरिया पे देखने को मिलता होता है।
अभी जो पेन होता है, पेन के जो अटैक्स होते हैं, चुविंग से या फेस को टच करने की वजह से या सर्टेन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो पेशेंट होता है, पेशेंट पेन को ऐसे डिस्क्राइब करता है जैसे कोई फेस पर किसी ने चाकू घोंप दिया उसको, किसका कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, कार्बामेज़ेपिन, गैबापेंटिन या पिरिगैबलिन इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। और अगर सर्जरी से काम नहीं, मतलब मेडिकेशन से काम नहीं चल रहा, तो आपने गैमा नाइफ सर्जरी करनी है या सर्जिकल डिकम्प्रेशन करनी होती है। इसके बाद है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, हर्पीज जोस्टर हुआ, शिंगल्स हुआ, रिएक्टिवेट हुआ, शिंगल्स हो गया तो पेन सिंड्रोम करा देता है, सही हो गया। और पहले फीवर होगा, फिर पेन सिंड्रोम होगा जो कि और वेजिकुलर इरप्शन होती है, बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता होता है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या है, ए साइक्लोविर, वेल साइक्लोविर, फेमसिक्लोविर इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कहने का मतलब है इंसिडेंस को रिड्यूस कर देते हैं लेकिन ठीक नहीं कर पाते। ठीक करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, टीसी इस्तेमाल करना होता है, गैबापेंटिन और पिरिगैबलिन आपने इस्तेमाल करना होता है, कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन आपने इस्तेमाल करना होता है। मेन आपका गैबापेंटिन और पिरिगैबलिन आ जाएगा, ठीक हो गया। टॉपिकल कैप्सिकिन ये भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ओके। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इनका कोई खास काम नहीं होता। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिक का सबसे पहले बेंजोडाइजिपिन ऐड करते हैं, फिर फेनिटोइन ऐड करते हैं, फिर फिनोबारबिटल है, और फिर जीए देते हैं, वेलप्रोइक एसिड देते होते हैं। इथोसिक्समाइड एब्सेंट सीजर के लिए इस्तेमाल होती है। सबरेटिनल हेमरेज के अंदर क्या होता है, वेरी सडन ऑनसेट होता है, मेनिनजाइटिस का सडन ऑनसेट नहीं होता। और सबरेटिनल हेमरेज में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। सबरेटिनल हेमरेज में जो इनिशियल टेस्ट होता है वो क्या होता है, सीटी स्कैन विदाउट कॉन्ट्रास्ट है, और जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो लंबर पंक्चर होती है जिसमें ब्लड मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट ऑन सीटी और एमआरआई होता है, ये मैस लियन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर ब्लड को देखना है तो कभी भी कंट्रास्ट इस्तेमाल नहीं करना।